आप लोगों को यहाँ ज़हमत दी। सबसे पहले तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसका एक बड़ा वाजिया ऐलान और एलामिया जो है वो जारी भी हुआ था और उसके तहत कोई किसी किस्म की भी उसमें कोई अभाम बाकी नहीं रहा कि 9 मई का दिन कौमी सानिया था और यौमे स्याह के तौर पर इसको अनाउंस किया गया है, क्योंकि 9 माह के दिन पाकिस्तान का जो अजली दुश्मन है उसने भी 75 साल तारीख में वो अमल नहीं किया या करने की जुर्रत नहीं रखी जो 9 मई को इमरान ख़ान साहब के उकसाने पे, उनके सोची समझी प्लानिंग के तहत और उनकी मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़्यादत अपने मुसल्ला जत्थों को और प्लांटेड लोगों को और इंस्टॉल्ड लोगों को जो डिफरेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर इंस्टॉल किए गए, हस्पतालों के ऊपर इंस्टॉल किए गए, स्कूल्स के ऊपर किए गए, चलती एम्बुलेंसेस से मरीज़ों को निकाल कर फेंका गया और ईदी की एम्बुलेंसेस जलाई गई और उसके अलावा जो शहदा थे और गाजी थे उनकी जो यादगारें थीं उनकी बेहुरमती की गई, रेडियो पाकिस्तान को नज़र आतिश किया गया, रेडियो पाकिस्तान के जितने आर्काइव्स थे, जो हेरिटेज थी, जो उसकी हिस्ट्री थी, जो असा वो अदारा जिसने तलुए पाकिस्तान की अनाउंसमेंट की हो उसको नज़र आतिश किया गया। ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के साथ बगावत के ज़मरे में आता है और ये किसी भी सियासी एहतजाज और अवामी प्रोटेस्ट की जो तासुर था वो नहीं था। ये मुसल्ला जत्थे, मुट्ठी भर मुसल्ला जत्थों की कार्रवाई थी जो इमरान ख़ान साहब के कहने पर हुई और ज़मान पाक वो गढ़ था जहां बैठकर इमरान ख़ान साहब ने इस पूरी चीज़ की मंसूबाबंदी की। और आपको याद होगा कि इमरान ख़ान साहब ख़ुद अपने बयानात में, अपनी तकरीरों में, अपने जो वो इडियोटिक गुफ्तगू करते हैं, दो झंडे रख के उनकी भी तजलील करते हैं, पाकिस्तान के झंडे की भी तजीक करते हैं, लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मुसल्ला जत्थों ने पाकिस्तान के झंडे जलाए जो हम सोच भी नहीं सकते, जिस परचम को हम चूमते हैं, जिस परचम को हम नीचे नहीं गिरने देते, उन परचम को नज़र आतिश किया गया और मुँह के ऊपर PTI के बैंड्स थे, स्काफ्स थे, नकाब थे, गलों में PTI के दुपट्टे थे और पाकिस्तान के झंडे को नज़र आतिश किया गया। उन्हीं लोगों ने एम्बुलेंसेस जलाईं, हस्पताल जलाए, स्कूल जलाए, मस्जिदें जलाईं, जानवर मंडियां जलाईं, ये कोई सियासी रद्द अमल नहीं और कैटेगोरिकली वाजिया तौर पर ये कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में भी रखा गया है कि ऐसे लोग जो इस किस्म के अमल में मुलव्वस थे, इस कार्रवाई में मुलव्वस थे, इसकी मंसूबाबंदी में मुलव्वस थे, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, क्योंकि इसी रियासत ने उन लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है जिन लोगों को एम्बुलेंस से बाहर निकाल कर फेंका गया, उन बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है जिनके स्कूल जलाए गए, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है जो उस दिन हस्पताल नहीं जा सके, जिस हस्पताल को नज़र आतिश कर दिया, और वो माओं के बेटे, वो शहीद जवान और वो जवान जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, उनके जज्बात को मजरूह किया गया है, उनकी बेहुरमती की गई है, उन तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना भी रियासत का काम है, हकूमत वक्त का काम है और हमें देना आता है। अब बात यह है, जो बात छिड़ी हुई है उसकी क्लैरिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म ने भी बहुत वाज़ेह अल्फाज में की है कि जिन सिविलियन तंसीबात पर, जिन सिविलियन इलाकों में, जिन सिविलियन बिल्डिंग्स के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो हमला आवर थे, जिन्होंने हस्पताल तोड़े, जिन्होंने स्कूल तोड़े, जिन्होंने ये ब्रिजेस तोड़े, मेट्रो, आज गरीब की सवारी नहीं चल रही, आज मेट्रो बस की सर्विस मुअत्तल है, उन लोगों को कौन जवाब देगा जो उस मेट्रो पर बैठ कर सफ़र करते थे, वो बच्चे, वो स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, शहरी मज़दूर उस मेट्रो पर सफ़र करते थे, उनकी सवारी इन लोगों ने छीन ली है।
जितनी सिविलियन तनसीबात हैं उन सब के ऊपर जो सिविलियन लॉज हैं, एंटी टेररिज्म लॉज हैं, उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, और जितनी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनकी जुरिस्डिक्शन ही मिलिट्री कवानीन है, जो आईन के मुताबिक वो जुरिस्डिक्शन तय्युन है, और उसके मुताबिक उनके जो खिलाफ है वो ट्रायल होगा। ये कोई कौम बर्दाश्त नहीं करती, ये कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता, ये आज पाकिस्तान का कोई शहरी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो तमाम निशानियाँ जो कि बहादुरी की निशानियाँ हैं, हमारे और आपके तहफ़ुज़ की निशानियाँ हैं, हमारे और आपके तहफ़ुज़ के अलमबरदार हैं, वो नौजवान, वो जवान जो इस वक्त सरहदों पर खड़े हैं, उनके जज्बात को मजरूह किया जाए, और ऐसी इबरत का मिसाल बनानी चाहिए कि आइंदा पाकिस्तान की आने वाले वक्त में और तारीख में कोई 9 माह का स्याह दिन दोबारा रिपीट ना हो। और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इसको इंसाइट किया, रेडी है वीडियो, और जिन्होंने इंसाइट किया वायलेंस, वो आप सब के सामने आ गए, और आज अदालतों को भी सोचना पड़ेगा। ये रियासत की प्रोटेक्शन और रियासत की रिट को इस्टेब्लिश करना ये खाली हकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। रियासत 3 सतूनों के ऊपर कायम है, उसमें पार्लियामेंट, उसमें एग्जीक्यूटिव और उसमें जुडिशरी है, और ये तीनों पिलर्स को, तीनों सतूनों को ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर, तीनों सतूनों की, तीनों पिलर्स की ये इज्तमाही जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की रियासत की हिफाजत की जाए। ये अदालतों को सोचना पड़ेगा कि अगर दहशतगर्द मुसल्ला जत्थे और इंसाइटिंग वायलेंस और इन तनसीबात पे हमला करने की मंसूबा बंदी करने वाले को अदालत में वेलकम किया जाएगा, गुड टू सी यू कहा जाएगा एंड विशिंग यू गुड लक कहा जाएगा। तो मैंने कल भी कहा था कि ये उस तमाम माइंडसेट की को इनकरेज करना है, उसको तकवीत देने के बराबर है, उसकी पुश्त पनाई करने के बराबर है जो लोग इन कामों में मुलव्वस हैं। इमरान खान साहब बराए रास्त और आज भी जमान पार्क जो है वो इन मुसल्ला जत्थों की, इन मुल्क से दुश्मनी करने वालों की, इन हमला आवर होने वालों की पनाह बना हुआ है। आपने देखा होगा पंजाब हुकूमत ने तमाम एविडेंस दिया है, तमाम चीज़ें वाजिया तौर पर बताई हैं, उन्होंने एक टाइम का बताया है कि इस टाइम के अंदर अंदर 72 घंटों के अंदर अंदर 24 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने कहा है कि जमान पार्क जिन भी मुजरमों की पनागा बना हुआ है वो वहाँ से नहीं, लेकिन इन सब का मास्टरमाइंड इमरान खान है। उन्होंने लोगों को उकसाया है, उन्होंने ये सोची समझी मंसूबा बंदी की थी। आपने मुराद सईद साहब की वीडियो सुन ली होगी जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज पर है कि जो जगहें दिखाई थी ना, जो बताई थी वहाँ पहुँच जाओ, इमरान खान गिरफ्तार हो गया। तो किसने बताई थी, किसने दिखाई थी? इमरान खान ने दिखाई थी। आपने वो ऑडियोज़ देखी होंगी जिसमें कहा जा रहा है GHQ पहुँच जाओ, जिस तरह बताया था, जिस तरह दिखाया था, ये बरी जमा नहीं हो सकते। और फिर अदालत के अंदर बैठ कर, जब अदालत इनको बंडल रिलीफ दे रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके अंदर बैठकर वीडियो पैगाम जारी किया इमरान खान ने कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया 60 अरब के कौमी ख़जाने के डाके में, अगर मुझे गिरफ़्तार किया फॉरेन फंडिंग में, अगर मुझे गिरफ़्तार किया टेरियन के वालिद होने के केस में, अगर मुझे गिरफ़्तार किया तोशा खाना में, तो जिस तरह का रद्द अमल 9 मई को आया है उससे बढ़ कर रद्द अमल आएगा। तो इसमें कौन सा शक रह गया? और ये प्राइम मिनिस्टर की वाजिया हदायत है, प्राइम मिनिस्टर की वाजिया कैटेगोरिक हदायत है कि किसी बेगुनाह को, किसी भी इसमें अगर कोई नाम आ रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है उन्होंने कि कोई ऐसा नाम ख्वातीन का, बच्चों का, जिसके साथ किसी किस्म की भी नाइंसाफ़ी हो, और अगर वो बेगुनाह है तो वो जो लिस्ट है जहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई है जो इस चीज़ को देख रही है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन किसी मुजरिम के साथ कोई रियायत बरती नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक अवामी रद्द अमल है, ये उन फैमिलीज़ का, उन शहीदों की फैमिलीज़ का,
अफवाज पाकिस्तान का, पुलिस का, पुलिस वाले हमारे तहफ़ के लिए खड़े होते हैं। कभी इमरान खान के हुक्म के ऊपर पेट्रोल बम सर पे फड़वाते हैं, गाड़ियों के ऊपर पेट्रोल बम्स फड़वाते हैं। इनकी ख़वातीन पेट्रोल बम्स की ट्रेनिंग करते हुए पकड़ी गई जमान पाक के अंदर, एविडेंस मौजूद है। पुलिस और फिर पुलिस वालों को, ओए आईजी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ओए आईजी का पेट फाड़ दो, उसका गला फाड़ दो, उसका सर फाड़ दो, उसका पेट फाड़ दो, ये इसका शख्स का माइंडसेट है। पुलिस वाले हमारे तहफ़ के लिए दिन रात सुबह दोपहर शाम खड़े रहते हैं। जब इसको कोई पकड़ने जाता है, अदालत का वारंट लेने जा रहा हो, पुलिस वालों को, जब पुलिस वाले उस एम्बुलेंस के मरीजों को बचा रहे हैं, पुलिस वालों को डंडे मार रहे हैं। जब वो अस्पताल के ऊपर अटैक बचा रहे हैं, उसको डंडे मार रहे हैं, उनके सर पे डंडे मार रहे हैं, रेंजर्स के ऊपर डंडे मार रहे हैं। ये कैसा माइंडसेट है जो अपनी ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर हमला आवर है, जो अपनी रियासती तनसीबात के ऊपर हमला आवर है, जो अपने ही बच्चों के ऊपर, अपने ही मरीजों के ऊपर, अपने ही हस्पतालों के ऊपर, अपने ही स्कूलों के ऊपर हमला आवर है, ये किस किस्म का माइंडसेट है? और उसके बाद उसके ऊपर ये कहा जाए कि नहीं, ये तो सियासी जमात है। ये कोई सियासी जमात नहीं है, हम भी सियासी जमातें हैं। हमारा वज़ीर आज़म गलत फैसले के ऊपर, जो कि आज गवाही देते हैं, हर आदमी गवाही देता है, वो उनको दफ्तर से निकाला गया और घर भेजा गया। कौन सी तनसीबात जली थी, कौन सी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जली थी, कौन से हस्पताल, स्कूल, एम्बुलेंसेस जले थे? वो तीन दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म था, इसकी तरह सिलेक्ट होकर कुर्सी पे मुसल्लत नहीं हुआ था। उसकी बेटी को उसके सामने अरेस्ट किया गया था। कौन से हस्पताल और स्कूल और मेट्रो या ब्रिजेस जली थी? वो कैसे कहते हैं कि मेट्रो और ब्रिजेस जलाएं, जो कि बनाने वाला है मेट्रो और ब्रिजेस को? शहबाज शरीफ साहब, अपोजिशन लीडर, बेटियों के घर में रेड्स हुए, उनको दो दफ़ा अरेस्ट किया गया गलत फैसले के ऊपर, पैसे ज़ाया करके, वकला रख के, एनसीए में बार बरतानिया में पैसे भेजे गए। आज कहते हैं कि मैं कैसे कह देता और मैं कैसे वहाँ और ज़्यादा लॉयर्स रख लेता बरतानिया में, तो कौम के पैसे बड़े खर्च होते। तो जब एनसीए का बंडल भेज रहे थे झूठे केसेस के ऊपर शहबाज शरीफ के वक्त, जहाँ से उनको ग्रीन चिट मिली, तो उस वक्त कौन से कौमी ख़जाने के पैसे तुम्हें एहसास था कि तुम झूठे गैस पे जला रहे हो, झोंक रहे हो पैसे को? जब तुमने वो ब्रॉडशीट वाले नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ तुमने वहाँ केसेस करे, जो कि बाद में ख़ुद वो मौसफ़ी ने कह दिया कि एक रुपये की करप्शन और एक रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो साबित नहीं हुई, ना नवाज शरीफ ने किया, जो तुमने पैसे ज़ाया किए। तुम्हें पैसे कौमी ख़जाने के थे, ये पाकिस्तान का पैसा था, ये पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा था, ये 60 बिलियन जो तुमने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डलवाया और वहाँ से आपने एडजस्टमेंट कराई फ़ाइन की, और उसके बाद आपने अल कादिर ट्रस्ट अपने नाम पर, अपनी बेगम के नाम पर बना लिया। क्यों बना लिया, किस कानून के तहत बना लिया? ज़रा वो वीडियो चलाएं। सबको निकलना पड़ेगा। क्या आप सब तैयार हैं? अगर ये फट गई कौम तो आप सबको अपने आप को बचाना छुपते फिरेंगे आप, तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ। मैं बचा रहा था, बता रहा था, क्योंकि डरो उस वक्त से, जिस दिन आपने हरकतें की, ये फट गया ना, तो ये कंट्रोल नहीं कर सकोगे। मैं सारी कौम को अभी बता रहा हूँ, आप जांच के लिए तैयार हो जाए। मुझे अब ये एक मुनज्जम साजिश नजर आई है, जिसके तहत जलाई गई है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। डॉक्टर साहिबा, सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं, अंडर हाउस इकट्ठे होके जाएंगे, तो इकट्ठे हो, इकट्ठे हो गए हैं। जी आज क्यों नहीं घुस सकते हैं, इधर भी घुस सकते हैं, एयरपोर्ट भी बंद कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन बंद कर सकते हैं। इमरान खान रेड लाइन है, हाथ लगाओ, धमाका मस्त करना होगा। पता चले भाई साहब की वेस्ट का साइज है दादा। पचास मैंने उस्मान डार भाई से, अली नवाज जबान से बात की, और उन्होंने असद उमर साहब का मुझे मैसेज सुनाया। असद उमर साहब और मुराद साहब की जो लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी, इंशाल्लाह जीएचक्यू जाएंगे अल्लाह। आप लोग मेरा साथ दें, कौन से आप लोग सारे गाजी गार्ड कौन? मैं अपने जुनूबी पंजाब के दोस्तों से कहता हूँ, आप तमाम सड़कें, तमाम हाईवे, तमाम पुलें जो कि जुनूबी पंजाब से और पूरे पंजाब से गुजरती है, बंद कर। हमारे पास एक ही रास्ता है अब कि हमने अब भारत तक जाना है इनके खिलाफ, और इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान को बंद करके बताएंगे।
आपको पता है जो जगह आपको दिखाई गई है वहाँ पे निकलो। आपने सबने आज बाहर निकलना है, पुरजोर तरीके से इत्तेजाज करना है। रेड लाइन क्रॉस हुई तो आज कैंट की रेड लाइन भी क्रॉस हो गई। आज आवाम आई भी है कोर कमांडर के घर के बाहर भी खड़ी है और अंदर भी जा चुकी है। इमरान खान की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। सब पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों पे बाहर निकल आए। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। इल्जाम ये था कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्जाम लग रहा है, तो मैं किसको लेके जाती? आवाज आई जितनी आपके सामने अभी ऑडियो प्ले हुई, वीडियोस प्ले हुई, ये एजेंसी के लोग थे। और बार बार कहा जा रहा है कि जो बताया था, जिन बिल्डिंग्स का बताया था वहां जाके पहुंच जाओ, फिर जीएचक्यू का बताया गया था वहां पहुंच जाओ, कोर कमांडर के घर का बताया था वहां पहुंच जाओ। और तमाशा करते हैं, जिनका कह रहे हैं मैंने नहीं करवाए ये बलवे, इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं ये कार्रवाइयां कराई, वकला रख के उन लोगों की बेलें सुन रहे हैं कोर्ट्स के अंदर। ये ऐसा वाकया है जो सियासत से बालातर है, उससे बियॉन्ड है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और आवाम को भी और मीडिया को भी और सिविल सोसाइटी को भी इसके अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बग़ैर किसी भी इसमें सियासी गुफ्तगू और नैरेटिव को बाहर रखते हुए कि ये कॉन्डमनेशन जो है, ये से नो टू 9 मई जो है वो हर बच्चे की ज़बान पर, हर शख्स की ज़बान पर होनी चाहिए, क्योंकि ये वो सानिया है जो मेरे और आपके मुल्क के ऊपर हमला हुआ है और उन सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है, उन सिविल इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ है जो हमारी पहचान है, जहां हमसाया मुल्क में शादियाने बजाए गए हैं जिसके ऊपर। इसलिए आज ये फैसला हमें बहसते कौम करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। क्या हमने इसी तरह फितना, फसाद, इंतशार, मारपीट, जलाओ घराओ की सियासत का हिस्सा बनना है, या मुल्क के अंदर वो सियासत करनी है जो सियासत खिदमत की सियासत हो। मुल्क की आवाम इस वक्त परेशान है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग एग्रीवेटिंग द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। हमें ये फैसले करने पड़ेंगे। और जिस शख्स ने 4 साल मुल्क की मईशत को आग लगाई, मुल्क के रोज़गार को आग लगाई, अवाम की रोटी को आग लगाई, अवाम के पेट के ऊपर डाका डाला, कौमी ख़जाने के ऊपर डाका डाला, हमारी फॉरेन पॉलिसी तबाह की, इस मुल्क की ईंट से ईंट बचा दी, समाज को तबाह किया, सोसाइटी को तबाह किया, हमारे अंदर जो टॉलरेंस है उसके ऊपर हमला आवर हुआ और तलकीन दी, तालीम दी अपने कारकुनों को, वो शख्स है अनटचेबल है। वो गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का डिजर्व करता है। ये तमाशा खत्म होना चाहिए और हमें आज फैसला करना पड़ेगा। ये तमाम सबूत मौजूद है, आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, ये कैटेगोरिक प्राइम मिनिस्टर का एक फैसला है। लेकिन जिसने जुर्म किया है उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जो ज्यूरिसडिक्शन जिस कानून की बनती है, जो रेलेवेंट लॉज हैं, उसके मुताबिक कानून अपनी हरकत में आएगा और उन लोगों का ट्रायल होगा। साले जाफर साहब, मैडम ये इमरान खान ने एक्यूज किया है कि एजेंसीज और आर्म फोर्सेस मुलव्वस हैं इस सारी इंसानी एक्टिविटीज़ में। एक तो ये है कि ये जो इल्ज़ाम है, आप ये समझती कि ये खुद आर्म फोर्सेस की ह्यूमिलेशन है, तोहीन है। और उन्होंने डिमांड ये किया है कोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनका को कमीशन बनाया जाए ताकि वो फिर उनको को गुड टू सी यू कह के उनकी जान उसे छुड़ा सके, उस पर आपका तबसरा चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, क्या पॉलिसी है मुस्लिम लीग एन की इनको अपनी सफ़ों में जगह देने के लिए? और एक छोटा सा सवाल यह है कि क्या इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा या इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनानी पड़ेगी? शुक्रिया। देखें, पहली बात तो है कि इमरान खान साहब, आपको याद होगा, कहते थे चार हलके खोलो, 100 हलके खुल गए, धांधली नज़र नहीं आई। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि धरना आ गया, फिर धरने के बाद इमरान साहब हुकूमत में आ गए, आरटीएस बैठ गया,
मुल्क का तीन दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म घर चला गया, आरटीएस को बैठा के इलेक्शन को इंजीनियर किया गया। और उसके बाद अब कहते हैं, पहले कहते थे कि अफवाज पाकिस्तान पीटीआई के मंशूर के साथ खड़ी है, जब वज़ीर आज़म थे। उसके बाद जनरल बाजवा को कमरे में बंद करके अंदर कहा कि मैं तुम्हें ताहयात एक्सटेंशन दे दूँगा, मेरा इक्तदार और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बचा लो। उसके बाद असेंबली तो वो इक्तदार से, पार्लियामेंट से, आइनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बाहर चले गए। उसके बाद कहा कि वो असेंबली तोड़ दी, स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, गवर्नर से, सब से आइन शिकनी कराई। एक शख्स, उसका दिमाग ऐसे चलता है। फिर वो कागज़ आ गया आलमी साजिश का जो मोहसिन नकवी ने कराई आफर में, इनके मुताबिक उस पर पहले आलमी साजिश का कागज़ लहरा कर उन्होंने कहा कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है, यह हुकूमत घर चली जाए। और एंड में उसका खुलासा हो गया कि वो मोहसिन नकवी ने साजिश की थी। उस वक्त मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, ये बात याद रहे। उसके बाद उन्होंने कहा जी असेंबली तोड़ दो, असेंबली तोड़ दी। उन्होंने कहा बाजवा ने कहा था तोड़ दो, मैं तुम्हें इलेक्शन ले दूँगा। अच्छा जी, बाजवा ने कहा था इलेक्शन ले दूँगा, असेंबली तोड़ दो, तो तुमने परवेज़ इलाही को हरास करके असेंबली तोड़ी, ये भी आइन शिकनी है क्योंकि ये मैंडेट चीफ मिनिस्टर का है। फिर आपको, आपने कहा कि जी नहीं मुझे इलेक्शन चाहिए। भाई तुम हो कौन, तुम कौन हो? और ये जो इलेक्शन का ड्रामा है ये सिर्फ इसलिए है कि 60 अरब का डाके का जवाब नहीं है। शोर मचाओ, इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि तुम्हारी करप्शन का शोर दब जाए, इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि तुम्हारी मुल्क दुश्मनी का शोर मध्यम हो जाए, इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि तुम्हारे टेरियन के वालिद होने की आवाज़ें बंद हो जाएं, इतना ज़्यादा शोर मचाओ कि फॉरेन फंडिंग करके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने वाली के जो सवालात हैं वो बंद हो जाएं। क्योंकि इसको तो आदत है, इसको तो आदत है कि इससे सवाल कोई ना पूछे। जब वज़ीर आज़म था तो सबको जेलों में डाल दिया, मीडिया हो, सियासी मुखालफीन हो, सिविल सोसाइटी हो, बिजनेस मैन हो, सब जेलों में, उसको तो आदत है। फिर अब ये जब ऑपोजिशन में आए हैं तो इन सवाल का जवाब कौन दे। लेकिन ये मैंने जैसे पहले कहा कि एक शख्स को जो कि अनटचेबल का तासुर है, बायसनेस का तासुर है, उसकी फेवर करने का तासुर है, ये सोचना पड़ेगा उन तमाम लोगों को जो उस मनसब पे बैठे हैं, इंसाफ की उन कुर्सियों पर बैठे हैं, जिसका तमस्कर आज पूरे मुल्क में उड़ाया जा रहा है। तो ये तो उनकी आदत से मजबूरी है। बाकी आपने इमरान खान के ट्रायल की बात की तो मैंने पहले कहा है कि जिसकी जुरिस्डिक्शन एविडेंस के मुताबिक जिस भी रेलेवेंट लॉ में आती है उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उस्मान खान साहब, मैडम एक बहुत ही संगीन चीज़ है सोशल मीडिया पे सब देखने को मिल रही है। पहले तो प्रोपेगेंडा होता रहा, लेकिन तासुर ऐसा मिल रहा है कि शायद जो खवातीन को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा संगीन जुर्म ढाए जा रहे हैं और पीटीआई जो है अफगानी मुतहदा को, आलमी दुनिया को रब्ता करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सलब किया जा रहा है। तो क्या ऐसी बात है या उनको डिसीजन लिया गया कि खवातीन के साथ क्या सलूक करना है, उनको रिहा किया जाना है या? देखिए अक्वाम मुतहदा में तो बात जाएगी बाद में, अभी तो 8-8 घंटे कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, तो वहीं दे दें सबूत। और अदालतें तो इस वक्त बंडल रिलीफ इमरान खान साहब को दे रही हैं, तो जो अपने खिलाफ तमाम सबूत हैं कि किसी के साथ ज्यादती हो रही है। देखें हम कोई फासिस्ट हुकूमत इनकी तरह नहीं है कि मीडिया वालों को गोलियां लगें, पसलियां टूटें, नाक की हड्डियां टूटें, जेलों में डालें, सजाए मौत की चक्कियों में डालें, सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ 15-15 किलो हेरोइन के मुकदमे बनाएं, उनको डेथ सेल्स में डालें। हमारा ऐसा कोई अगर मंसूबा बंदी होती तो हम 14 महीने इंतज़ार ना करते। इमरान खान ने तो 14 दिन इंतज़ार नहीं किए थे जब वो वज़ीर आज़म थे। इसलिए जहाँ अगर ज़्यादती हो रही है तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों में इनको पेश किया जा रहा है, जहाँ से इन लोगों को रिलीफ मिल रहा है अपने सबूत लेकर अदालतों में चले जाएं, किसने रोका इनको? लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करके, वीडियोस लगा के, अगर आप ये समझेंगे जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पे कत्ल का मंसूबा बनाया गया एक वीडियो पैगाम में, और जा कहाँ रहे हैं? उस अदालत में जहाँ 10 केसेस में बेल मिल गई है। तो जिस अदालत में 10 केसेस में बंडल रिलीफ मिल गया है उसकी तरफ रवा दवा थे,
और गाड़ी में बैठ के वीडियो पैगाम दे रहे हैं, तो जो पलंदा था सबूतों का कि किसी ने आपके खिलाफ कत्ल की साजिश की है, तो जज के सामने रख देते, बात खत्म। जी सलावला साहब। मैडम दो सवाल है, एक तो ये बता दें 24 घंटे में कितने लोगों के नाम ECL पे डाले गए हैं और उनके नाम क्या क्या है। दूसरा, आज से 17 साल कबल जो सबक वजी अजम थी मरूना बेनजी भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान जो वसाती जमहूरियत थी, उसमें सबसे बड़ी शिक यही थी कि मिल्ट्री कोर्ट्स और मिल्ट्री एक्ट और इस किस्म के केसेस के सिविलियन के खिलाफ कोई केसेस नहीं होंगे। तो आज किस वक्त जो हुकूमत है मिल्ट्री कोर्ट्स के हवाले से उनका क्या मौका है? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि कितने लोगों को ECL पे डाला है और कितनों है। इससे हमने फैसला किया है गवर्नमेंट ने कि तमाम जो अदाद व शुमार हैं, तमाम जो लोग डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जितने लोग पकड़े गए हैं, कौन से लोग जो हैं वो किस किस जगह के ऊपर मुलव्वस थे, उस सब को हम पब्लिक करेंगे सब। तो ये इमरान ख़ान साहब का जो प्रोपोगंडा है जो हमेशा ये करते हैं, अवाम को बताने का फ़ैसला किया गया है कि किन किन के ख़िलाफ़ क्या क्या एविडेंस है और कौन कौन सी जगह के ऊपर, कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन से शहरों में कितने लोग पकड़े गए और उससे कितना नुकसान हुआ। पहली बात तो ये, इंटीरियर मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लेकिन सऊदी डेप्टी इंटीरियर मिनिस्टर आए हुए हैं, वो जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है इस इमरान खान के फितने के अंदर, जो अच्छे काम है वो भी दब जाते हैं। बहुत बड़ा इकदाम है गवर्नमेंट का जो मक्का रूट का है, कि जितना रूट टू मक्का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जितना भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है, जितना भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, वो अब पाकिस्तान के अंदर ही उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा जितने हाजरीन हैं, ताकि उनका एक प्रॉपर जो वहाँ वो घंटों अपने वेरिफिकेशन और अपना वो कराते थे, वो यहीं से पूरा वीज़े का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और वो वहाँ यहाँ तक के जो उनका लगेज मैनेजमेंट है, वो भी उनकी जहाँ जहाँ रहने की बंदोबस्त हैं वहाँ उनको उनका लगेज उनके कमरों तक पहुँचाया जाएगा। इमिग्रेशन के बाद लगेज मैनेजमेंट भी है, तो वो सारा इसको प्लीज़ आप लोग, ये पाकिस्तानियों के लिए, ये हाजरीन हज के लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है और ये उस लाजवाल रिश्ते को की अकासी करता है जो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के हैं। और ये भी एक फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, वज़ीर आज़म की फॉरेन पॉलिसी के तहत जो उनका एक ताल्लुक़ है उसकी बहुत बड़ी मुल्क के लिए खुशखबरी है और आवाम के लिए भी खुशखबरी है। जाद फरूक मलिक साहब, एक तो ये जो 9 मई के हवाले से योम सयाह का फैसला किया गया है, क्या ये रेगुलर फीचर होगा हर साल के लिए? दूसरा, ये सोशल मीडिया रेगुलेशन जो है उसके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा था, वो कहाँ तक पहुँचा है? सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन जिस तरह की गलत देखिए, एक तो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सवाल हुआ, उसमें बड़ा वाजिया है, एक तो ये स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं जो इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं और उसके अंदर जो आर्मी एक्ट है वो रेलेवेंट लॉ है। और मैंने जैसे पहले कहा कि बड़ी कैटेगोरिक डिफ्रेंसीशन है कि जो तनसीबात मिलिट्री जुरिस्डिक्शन में हैं वो उन रेलेवेंट लॉज के मुताबिक ट्रायल होंगे और जो सिविलियन तोड़ फोड़ और बर्बादी की गई है और आगे लगाई गई हैं वो उन रेलेवेंट लॉज के मुताबिक ट्रायल होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बड़ा कैटेगोरिक फैसला है। जी आपने क्या सवाल किया? एक तो 9 मई के, हाँ जी 9 मई जो है वो रेगुलर फीचर होगा, ताकि हर दिन हर साल 9 मई को ऐसे अमल को कंडेम किया जाए और ये एक मिसाल बने कि जिन लोगों ने 9 मई को मुल्क के ऊपर हमला आवर हुए थे, मुसल्ला जत्थे थे जिन्होंने दहशतगर्दी की थी मुल्क के ऊपर, की हसास तनसीबात के ऊपर हमले किए थे, वो पूरी आवाम मिलकर उसको कंडेम करे। सोशल मीडिया के ऊपर मुझे खुद ज़ाती तौर पे तो इल्म नहीं है, लेकिन दूसरी मिनिस्ट्री है जिसका ये जुरिस्डिक्शन है, IT मिनिस्ट्री, जिसमें PTA गालिबन वो अदारा है वो करता है, तो वो तफसीलात लेकर मैं मिनिस्टर को कहूंगी कि मीडिया को आप ये बताएं कि 9 मई के हवाले से आप जिस तरह जिक्र किए, तो 9 मई को जिस तरह जो लोगों को नुकसान हुए, जिन लोगों के मतलब अमलाक चली है, उनकी गाड़ियां और ये, तो उनके हवाले के लिए हुकूमत ने मतलब कोई ऐसा कुछ किया है कि ताकि उनको तो कोई
देखिए ये आपको जब पता चलेगा ना कल इंशाल्लाह जब इंटीरियर मिनिस्टर प्रेस टॉक करेंगे आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कितना बड़ा नुकसान है। एक तो आपने देखा जो टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, एक जो नुकसान अमलाक का हुआ, जो जली, जो मैं आपको खाली रेडियो पाकिस्तान की अगर इमारत की तस्वीर अंदर से दिखाऊँ आपका दिल रोएगा, और उसका नुकसान जो है वो करोड़ों और अरबों में है जो सारा। और फिर जो जल गया, जो आर्काइव जल गया, वो प्राइसलेस आर्काइव था, वो हमारी सकाफत थी, हमारा विरसा था, उस वो तो वापस भी नहीं आ सकता, उसकी कोई कीमत भी नहीं लगाई जा सकती। तो ये जब आपको अदाद व शुमार कल पता चलेगा पब्लिक किए जाएंगे तो तब ये आप लोगों को एहसास होगा कि ये जो दहशत गर्दी हुई इसके पीछे जो माली नुकसान है वो कितना बड़ा नुकसान, इमोशनल और जज्बाती तो है ही लेकिन जो माली नुकसान है उसका आपको एक बात ही कही गई कि मौजूदा जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको दूर करने के लिए कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए, इस पर कौमी सलामती कमेटी भी एग्री है, कोर्ट मार्शल कॉन्फ्रेंस भी एग्री है, तो इस इत्तेफाक राय के लिए इनिशिएटिव कब लिया जाएगा और पीटीए कौन बोर्ड लिया जाएगा। देखिए बात यह है कि एक आपने रवैया देखा होगा, आपको याद है जिस वक्त शहबाज शरीफ सजाए मौत की चक्की काट कर और झूठे इल्ज़ामात पे जेल से बेल पर पार्लियामेंट आए थे तो उन्होंने स्पीच की थी, इसके बावजूद के जो सियासी इंतकाम और झूठे केसेस सबको इल्म था, और सजाए मौत की चक्कियों में जहाँ इमरान खान कहता था कि कुर्सी ना दो नमाज पढ़ने के लिए, और उनकी बेटियों के ऊपर नैब के रेड्स होते थे घरों के ऊपर, ये जो आज चादर और चार दीवारी के तकद्दस की वीडियोस डाली जा रही हैं और बयानात हो रहे हैं, मैं हैरान हूँ। उस वक्त इमरान खान साहब ये कहते थे कि इनके बच्चे भी चोर हैं, बेटियां भी चोर हैं, सबको पकड़ लो, सबको धावा बोल दो, घरों पे रेड करा रहे थे, वीडियोस देखते होते थे वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब नैब की किस कस्टडी, किस कमरे में मौजूद है। तो उस वक़्त भी शहबाज शरीफ ने खड़े होकर जो स्पीच पार्लियामेंट की में की थी बतौर अपोजिशन लीडर, वो मिसाके मईशत की। तो हमारा हमेशा जब हम ऑपोजिशन में भी थे ये गवर्नमेंट में थे, आज हमें कहा जाता है ना कि गवर्नमेंट का बड़ा दिल होता है, हमने तो ऑपोजिशन में भी बड़ा दिल किया था, जेलों से आकर इनके साथ कहा था कि बैठ जाओ, सिक्योरिटी की मीटिंग हुई इसको कहा बैठ जाओ, कोविड आया इसको कहा बैठ जाओ, दुश्मन ने वो जो जहाज़ गिराया इसको कहा बैठ जाओ, सिक्योरिटी के मामलात पर इनको कहा बैठ जाओ, मईशत जो ये तबाह कर रहे थे इनको कहा बैठ जाओ, इस शख्स ने कहा NRO मांग रहे हैं। आपको याद है वो सारे दिन आप लोग हमारे साथ होते थे, मीडिया हमारे रिकॉर्ड कर रहा होता था बयानात, पार्लियामेंट की स्पीचेस। तो हमने हमेशा हमेशा हमने वो किरदार अदा किया है कि मुल्क के अंदर जो है मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के अंदर फसाद को कम करने के लिए, फितने को कम करने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है, ये एक तमाम सियासी जमातों का एक पूरा कोएलिशन है, और जो फैसला कोएलिशन करेगी, जिस तरह करेगी, जिन कंडीशंस पे करेगी, उसके मुताबिक ये फैसला। लेकिन जो उनके पॉलिटिकल वर्कर हैं फवाद चौधरी ने कल वाजह तौर पर कंडेम किया, आज अली जैदी ने किया, आमिर कयानी जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, ये जो लीडर का अपना एक नैरेटिव है लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर नीचे काम कर रहे हैं वो देखें, ये मुझे पूरा यकीन है कि देखें पार्टीज और सियासत, जैसे मैंने पहले कहा कि ये बियॉन्ड पॉलिटिक्स बात हो चुकी है, अब इसमें जो ये वर्कर समझता है ना कि मेरा लीडर मुल्क के ऊपर बगावत में और मुल्क के ऊपर मुल्क को जलाने में, मुल्क के हसास तनसीबात पे हमला कराने के पीछे पूरी मंसूबा बंदी है जो इन ऑडियोज़ और इन वीडियोस के अंदर वाजिया है, उस एविडेंस के अंदर वाजिया है, वो सोचेगा कि क्या मैंने इस जमात के अंदर रहना है और मैंने इस लीडर के नीचे काम करना है। ये तो हर आदमी सोचेगा ना, किसी भी अदारे का सरबरा अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में काम करे वो उसका एम्प्लॉई सोचेगा, किसी घर के अंदर अगर कोई बच्चा आपका या कोई आपकी बेटी या कोई भी आपका घर का फ़र्द किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस होगा या आपके घर का सरबरा होगा तो वो पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ये फितरी अमल है। और ये चीज़ें आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स भी हैं ना
उस वो भी कंडेम कर रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स करें, इलेक्शन होगा, आप वोट करें, वोट करके आप जिसको लाना चाहती है पाकिस्तान की आवाम, हम तो तीन दफ़ा आए हुए हैं, किसी को इख्तदार की भूख नहीं है, किसी को इस कुर्सी की लालच नहीं है, लेकिन आप वोट के ज़रिए, इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए हर वक्त ये रखना डाल देता है हर चीज़ के अंदर, हार जाता है तो जला दो, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे तो गलत कर दे तो, चीफ जस्टिस की तस्वीर के ऊपर पीटीआई के कारकुनान ने लंदन में जूतियां मारी थी, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब आज आप इनके हक में फैसले कर रहे हैं और वो वक्त जिस वक्त आप इनके खिलाफ फैसले करेंगे तो ये क्या करेंगे। ये मैंने बातें की थी, ये एक माइंड सेट है, ये एक शख्स का दिमाग जो है वो सिर्फ इस साजिशी, इस फितने, इस फसाद की प्लानिंग करता है और मंसूबा बंदी करता है और सोची समझी मंसूबा बंदी करता है। इसलिए अब बस।